आज संडे के किचन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जैसे देख रहे हैं इसमें दोस्तों कोई भी रेसिपी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सावन में इतना ज़्यादा पूजा करना रहता है कि आप लोग पूछिए मत। बहुत छोटा पूजा रहता है क्योंकि उसमें तामझाम बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि सुबह में पूजा किए हैं तो वीडियो बना रही दोस्तों, फिर उसका नहा धोकर फिर चूल्हा यहाँ पर लाकर फिर इसमें वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी हलवा की पूजा हो रहा है। तो दोस्तों जैसे देखते हैं कि गाँव पर हमारे खप्पर दिया जाता है, तो पूरे गांव के सभी लोग चंदा देते हैं, चंदा लगाकर पैसे देते हैं, उसके बाद खप्पर चढ़ता है। तो दोस्तों वहां पे जैसे देख रहे हैं कि खप्पर चढ़ाने वाले आ गए हैं, खप्पर चढ़ा रहे हैं, तो सब लोग काली माई का स्थान पे करिया चढ़ा रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी हम बाहर नहीं निकलते हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पर अपने द्वार के सोजे ऊपर देख सकते हैं आप लोग। नीचे पोर्चा है दोस्तों की बारिश आएगा तो चूल्हा भीजेगा भी नहीं। और यहाँ पे दोस्तों हम बना रहे हैं और देख रहे हैं, जैसे दोस्तों हम लोग गाँव पे नहीं रहे, बहुत ज्यादा देख रहे हैं कितनी हरियाली हो गया है, बहुत ज्यादा घास भी जम गया दोस्तों। द्वार पे देखिए नीम का पेड़ बहुत ज्यादा पनक गया, अच्छे से हरा भरा लगता है दोस्तों, बहुत काफी अच्छा लगता है। तो सावन में दोस्तों जैसे देखते हैं कि हर पूजा रहता है दोस्तों, तो इस तरह से जैसे दोस्तों देखते हैं कि गांव भी बहुत काफी अच्छा लगता है। चारों तरफ जिधर आप देखिएगा तिरह दोस्तों हरियाली दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने घास है, आगे भी दिखा दे रहे हैं आप लोग को, पुल के पास में देखिए कितने सारे घास उपज गया है। तो गाँव भी दोस्तों जब लोग सब लोग रहते हैं तो सर सफाई होता है तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। इस समय देख रहे हैं बाहर में बहुत ज्यादा उत्साह हो गया है। यहाँ पे हम पूजा चढ़ा रहे हैं, वहाँ पे काली माई का स्थान पर नहीं गए चढ़ाने के लिए, और वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग चढ़ा भी रहे हैं। तो देखते हैं समय मिलेगा तो आप लोग को ये दिखा सकते हैं तो दिखाएंगे, जरूर कोशिश करेंगे आप लोग को दिखाएंगे वो पूजा। तो यहाँ पे इसी तरह हम पूरी बना रहे हैं। इतनी टाइम बज रहा है दोस्तों 2, तो सब लोग 1 बजे बना चुके हैं प्रसाद, हम यहाँ पे 2 बजे शुरू किए हैं बनाने के लिए। तो जैसे दोस्तों देखते हैं कि कुछ लोग रहते हैं कि पूजा जैसे सुनते हैं कि कढ़ाई चढ़ रहा है तो जल्दी जल्दी सुइयां बना के रख देते हैं अपना, बाकी कितना भी लेट रहता है तो कैसे खप्पर चढ़ाने में दोस्तों 3-4 बज जाता है। यहाँ पे दिया के टाइम जब होता है तभी उसी टाइम पूजा चढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए हम भी बना रहे हैं, यहाँ नहा धो के आज जैसे दोस्तों देखते हैं पूजा, देखिए कब वीडियो छूटता है। आज सोमवार भी है तो सोमवार के दोस्तों व्रत भी हैं, इतना सारा पूजा भी इसी में है करना, तो इसलिए हम सोचे कि लाइए थोड़ा थोड़ा करके सारे पूजा आप लोग को दिखा दें। हम सारे वीडियो दोस्तों एक में हम जोड़ देंगे तो आप लोग देखिएगा उसको जरूर। तो अब दोस्तों देख रहे हैं कि पूरी हमारा बन के तैयार हो चुका है, तो हलवा बना रहे हैं इसी में। तो लकड़ी पे जैसे देखते हैं बनाने में बहुत ज्यादा धूप भी लग रहा है इसमें, यहाँ पे देखते हैं बहुत ज्यादा आँच भी लगता है, हवा जब चलता है तो आँच बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पे देख रहे हैं गन्ना की लकड़ी है जो ये बहुत जल्दी बढ़ जाता है बरसात के मौसम में, इसको सब लोग उठा के रख देते हैं, बारिश के मौसम में इसको लगाया जाता है ज्यादा करके। मिट्टी का तेल नहीं रहता है तो सभी लोग इस सबके घर से मांग के लाते हैं, जलाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए हम भी इसको लिए हैं, इसी से जलाए हैं आग। तो हलवा के आटा जितने अच्छे से बनाता है उतने टेस्टी हलवा बनता है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी को, अब यहीं पे डालेंगे पानी, हलवा को अच्छे से मिला ले रहे हैं। फिर बनाया जाता है रोटी के ऊपर रखा जाता है खीर को। यहाँ पे दोस्तों जैसे अलग जैसे घी भी अलग अलग निकाले हैं हमने, यहाँ पे देखिए तावे पे रोटी बनाए तो रोटी जैसे एक ही तावा बनता है। इसमें का लकड़ी जो रहता है दोस्तों इसमें नहीं लगाया था, इसमें लकड़ी इसमें नहीं लगाया था दोस्तों, बहुत बर्ताव पूजा में रहता है। पूजा दोस्तों तो बहुत आसानी है बल्कि बहुत बर्ताव रहता है इस पूजा में, इसलिए दोस्तों पूजा भरम कराता है तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है पूजा को। जो तो हमारे गांव में सभी लोगों को घर में होता है, तो यहाँ पे देखिए इतना सारे नए छोटे छोटे रोटी बनाए हैं, पहले आप लोग देख सकते हैं। तो रोटी या खीर का पूजा यहाँ पे चढ़ता है, तो हम जैसे दोस्तों अब रोटी पे घी लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ठाकुर जी को रख दिए हैं, ये दोस्तों जैसे देख रहे थैया नया है तो इसमें स्टिकर लगा तो कुछ नहीं रहा दोस्तों, थोड़ा सा एक फूल जाएगा तो कुछ जाएगा। अब यहाँ पे रोटी में सारी रोटी में हम इस तरह से घी लगाएंगे अच्छे से, तो 2-2 करके रोटियां रखना पड़ता है। ये पूजा को दोस्तों लड़की देखती भी नहीं है, लड़की ये पूजा का प्रसाद खाती भी नहीं है, तो इसलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे पूजा बनाए तो बहुत छोटा छोटा बनाए हैं कि जाके इसमें से साची के पापा जैसे हम हैं पापा, ये 3 लोग प्रसाद को खत्म करना है। तो घर पर तो हम लोग 2 ही लोग आए हैं पूजा चढ़ाने के लिए, साची के पापा और हम, तो हम सोचे कि लाइए इस पूजा को इस तरह से बना दे रहे हैं छोटे छोटे, जाके खत्म हो जाएगा जल्दी से।
एक पूजा मंग लड़की नहीं खाती इसलिए बहुत थोड़ा सा बनाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बर्तन में खीर को भी बनाए हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग रख दिए हैं, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, सात जूटा इस थाली में रख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे देख रहे हैं कि नौ जूटा यहाँ पर हमने रख दिए जोड़ा करके, और फिर इसमें थाली में हमको सात जूटा रखना पड़ेगा, इसमें भी हम रख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सभी रख लिए हैं, इसके बाद से हम यहाँ से खीर लेंगे एक ही बर्तन से। तो दोस्तों हम सोचे कि एक दिन भी वीडियो नागा नहीं जाता है, जैसे देखते हैं रोज डेली वीडियो आप इसमें इसलिए डाल दिए हैं, इसको एक साइड में ढककर हम कर देंगे। अब दूसरे बर्तन से लेंगे, दोस्तों आग जैसे सब चूल्हे में से अलग अलग निकाला जाता है, तो इस तरह से निकाल दे रहे हैं हम देखिए यहाँ पर। और उसके बाद दूसरे चूल्हे में से आग निकाल रहे हैं। लिए आग जलाया जा रहा है, तो यहाँ पे हॉर्न हो रहा है देखिए, तो दो जगह हॉर्न भी होगा इसी तरह से। तो यहाँ पे सब देवता लोग का नाम लिया जाता है, यहाँ पे जब हॉर्न होता है तो सारे देवता लोग का नाम लेके बुलाया जाता है यहाँ पे, और सभी लोग के नाम से हॉर्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें देख रहे हैं कि हम दूर बैठे हैं, पूजा वो कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं पूजा कर रहे हैं जब, तो रोटी ढक रखी एक, अब इसी पे रोटी या खीर को रख जाता है बीच में। दोस्तों जैसे देखिए एक पूजा आप लोग को दिखाया हम लोग का, तो फिर यहाँ पे देखिए वही पूजा सेम टू है, बस थोड़ा सा उल्टा रहता है, उसमें रोटी बनता है, इसमें देखते हैं खीर भौरी बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए भौरी बन गया हमारा अच्छे से, काफी सिखा गया है, तो आप लोग को एक बार दिखाने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा सुंदर बनाया, देख रहे हैं कितने अच्छे। जब भौरी का निशान ये रहता है कि हमारे भौरी बन जाता है तो यहाँ फट जाता है, देखिए यही चढ़ाया जाता है। इसमें हम सारे को निकाल लेंगे इस तरह से, जैसे देख रहे हैं भी ऐसा नहीं है कि नहीं फूटा है, देखिए कितने अच्छे से बन गए तैयार है। तो इस तरह से दोस्तों जैसे देखते हैं मार्केट में मिलता है, तो हम सोचे लाइए आप लोग को दिखा दे, पहले सारे वीडियो एक बार जोड़ देंगे जितना पूजा हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को जाके देखिएगा। सात भौरी बनता है, जो पूजा चढ़ाते हैं वही लोग खाते हैं, तो इसलिए हम छोटे छोटे यहाँ पे बनाए हैं जैसे देख रहे हैं। और दोस्तों हमारा तो व्रत है, बाकी जो चढ़ाते हैं उस लोग सात भौरी खाते हैं, इसलिए उनके लिए छोटे साइज में मीडियम साइज में बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए सात बना दिए हैं, यहाँ पे बिल्कुल देख रहे हैं कि बच्चे जैसे देख रहे हैं कि रूम पर है, यहाँ पे थोड़ी सा खीर बनाए हैं, एक ही लोग को खाकर इसको खत्म कर देना है, तो इसलिए बिल्कुल जरा सा बनाए हैं। यहाँ पे देखिए सात बना दिए हैं, तो देख रहे हैं कि साची पापा खा पा रहे हैं कि नहीं इसको, और जैसे देखते हैं कि बनता है सात से भी ज्यादा बनता है, तो जैसे जो लोग नहीं पूजा वाला खाते हैं उसको अलग से खा सकते हैं, बाकी पूजा के लिए सात बनता है, जरूरी रहता है सात बनाना। अब इसको ऐसी तरह जैसे देख रहे थे आप लोग को रोटी में वीडियो में दिखाए हम, उसी तरह इस पे देखिए घी लगा जाता है। और इसको जो लोग पूजा का प्रसाद वाला खाते हैं वो नमक वाला चीज नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से घी लगा दिए हैं, अब यहाँ पे देखिए घी ले आकर रखे हैं, हवन होगा। अब यहाँ देखिए सारे निकाले हैं थाली में हम, अब उसके बाद यहाँ पे खीर निकालेंगे। खीर को निकाल के एक साइड में इसको कर रहे हैं, अब ये पूजा में चढ़ेगा इसी तरह से चढ़ाइए। यहाँ पे देखिए हवन के लिए सरिया दे रहे हैं, तो हवन जैसे देखते हैं कि आम की लकड़ी से किया जाता है। तो दोस्तों बहुत काफी धूप हो रहा है, तो जैसे देखते हैं कि दरवाजे के पास में होता है बाहर द्वार पे, तो हम लोग को देखिए इस तरह से कुछ द्वार है, आप लोग को दिखा रहे हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमने चादर से आड़ करके उसके बाद प्रसाद जैसे देखते हैं कि जेंट्स बनाते वक्त ये नहीं बना पाते हैं, तो आप लोग जैसे जान सकते हैं कि जो लोग चाय नहीं बना पाएंगे तो पूजा कैसे पूजा का प्रसाद बना पाएंगे।
देखिए इसीलिए देखिए हम बनाए प्रसाद को, तो ये बोल रहे हैं कि मेरा बेइज्जती मत करिए आप यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे हवन हो रहा है,